नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। पीवीआर लिमिटेड की वितरण शाखा पीवीआर पिक्चर्स ने फ्रांस की फिल्मों का प्रदर्शन करके भारत के अंदर फ्रांस की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की है। पीवीआर लिमिटेड ने भारत में फ्रांसीसी दूतावास के साथ साझेदारी कर भारत के अंदर 40 से ज़्यादा पीवीआर के थिएटर में फ्रांसीसी बहुचर्चित फिल्म नोट्रे डेम ऑन फायर इंग्लिश सबटाइटल के साथ 24 जून को रिलीज़ करने को तैयार है। और इसी क्रम में पीवीआर के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बिजली ने फ्रांस दूतावास के अम्बेसडर के साथ मिलकर राजधानी दिल्ली के बसंत कुंज में इस देश पीवीआर हॉल में फ्रांसीसी फिल्म नोट्रे डेम ऑन फायर की एक विशेष स्क्रीनिंग की। आपको बता दें कि पीवीआर के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बिजली ने बताया कि जिस तरीके से भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर डब होकर भारत के लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रही है, तो उसी को देखते हुए फ्रांस और दूसरी कंट्री की भी पिक्चर भारत के अंदर क्यों ना रिलीज़ हो और रिलीज़ की जाए। आपको बता दें कि पीवीआर पिक्चर्स ने हाल ही में दक्षिण कोरिया की सुनो इसे अपने संगीत कार्यक्रम की लाइव स्क्रीनिंग के माध्यम से पॉप सनसनीखेज बैंड BTS परमिट टू डांस ऑन स्टेज टू इंडिया का जादू बिखेरा था। सर, पीवीआर इंडिया में फ्रेंड्स को भी लेके आ रहा है? हाँ नहीं, हमारा हमेशा ये एफर्ट रहता है कि हम अलग तरीके की मूवीज़ लेकर आएँ, फ्रेंच, जापनीज, कोरियन, इंग्लिश और हिंदी ऑडिशन तो चलती हुए हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो गए हैं। इंटरनेट में वो सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, कौन सी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। तो हमारा यही एंडेवर रहता है कि हम हर तरीके की मूवीज़ लेकर आएँ और इंडियन ऑडियंसेस के पास पहुँचाएँ। तो ये एक ऐसी मूवी है जो फ्रांस में बहुत ही बड़ी है, सब इसके बारे में जानते हैं, सब इसके ये इंसिडेंट के बारे में जानते हैं जो अप्रैल 2019 में हुआ, और इसके ऊपर एक जो पिक्चर बनाई गई है बहुत बड़े डायरेक्टर ने बनाई है। तो मेरा मानना है कि लोगों को देखने में ये काफ़ी एक्साइटमेंट होगी। सर, ये बात करें कि जो इंडिया के अंदर मूवीज़ होगी तो ये किस भाषाओं में, किन भाषाओं में, हिंदी के अंदर डब होगी या फिर फ्रेंच या इंग्लिश? नहीं, इंग्लिश में नहीं है, ये फ्रेंच ओरिजिनल लैंग्वेज में है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना सबसे अच्छा लगेगा, लेकिन सब टाइटल्स हैं इंग्लिश में। एक आखिरी सवाल ऐसा है कि जिस तरीके से बॉलीवुड का जो चलन है इंडिया के अंदर काफ़ी क्रेज काफ़ी ज़्यादा है, तो इस मूवी को लेकर क्या आपकी उम्मीद है, क्या मार्केटिंग है, कैसे सक्सेस हो पाएगा? ये होप तो करते हैं कि सारी मूवीज़ चलें, हम ये भी होप करेंगे कि ये चले। 40 सिनेमाज में लग रही है, ये IMAX में भी लगेगी, ये IMAX में शॉट करी गई थी। तो हमारे तो यही होप होगी कि ये भी चले इंग्लिश मूवी की तरह, हिंदी मूवी की तरह, और लोगों को पसंद आए। Yeah, today we have a great French movie about Notre Dame, and thanks to PVR, it's going to be screened all across India in more than 40 movie theaters, and we feel it's a great movie. It's obviously a moving event. You know the fire that caught at Notre Dame, the famed cathedral, in April 2019, and this movie just recalls us this very sad episode, and also now the efforts to reconstruct this building, which is World Heritage. And I understand that the movie director Jean-Jacques Hano has done a great work. I mean, with a lot of special effects, a lot of technology, and we're happy to be able to share this movie with a large Indian audience. And as you know, we feel that both countries are great nation of movie. I mean, India being the largest movie industry in the world, and we are delighted to introduce some of our works to the Indian audience. So thank you to PVR to make that possible, and we're very excited to see that. Well, I don't think it's a Bollywood movie, but I know that the Indian audience has a great taste for cinema, has a great culture for cinema, and is very knowledgeable. And also, Indian people, like French people, are highly
sensitive people, people who love art. So I'm very confident that they will like it. And besides, I mean, Notre Dame Cathedral is a place of worship, but it's also a symbol, a world symbol. And I know that many and many tourists from India have been visiting that place before the fire. We have almost, before COVID, 1 million Indian tourists, and we're going to have even more in the future every year. And they are very welcome. We love to have them. We'll welcome them, and happy to reopen the door of Notre Dame Cathedral as soon as the restoration is completed, and hopefully it will be completed by 2024 for the Olympic Games. And I tell our Indian friend, you're very welcome to come and see that.